पेट्रोस मैरी एंड पता नहीं कौन सा ऑयल है। तो ये स्किन के लिए है, पहले ऐसा होता है फिर ऐसा हो जाता है, पर मैं तो ऐसी कैसी रही। हाँ पिंपल्स हैं मेरे को, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसका बॉक्स बहुत चीज़ें पैक कर देखो गाइस, ऐसे में है। इससे ज़्यादा कोई क्यूट सा ये भी मिल जाएगा जिससे आप ऐसे यूज़ करते हो, ऐसे भी यूज़ करते हो। पर मैं अभी कुछ यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने मेकअप किया है, ख़राब हो जाएगा। तो इस छोटी सी बॉटल का प्राइस है 450। ये भी अच्छा, और ये कोई मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, ये जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी है वही कर रही हूँ। और गाइस कुछ खाने वाली चीज़ें भी हैं जो मैंने खा ली है, पर उसमें से मुझे सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी लगी थी उसको वेट करो। उसका एक चिकन नूडल्स वाला वो मेरा पड़ा है क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, तो वो मैंने फ्रेंड को देने के लिए रखा था। फिर गाइस मुझे मिला है शुगर का ये मेरा ना फर्स्ट कोलैबोरेशन था, फर्स्ट। ये है आई शेड्स के लिए, यस आई शेडो, टू कलर्स है, एक ये वाला, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये वाला कलर ज़्यादा यूज़ कर दिया मैंने, यूज़ करना था। और ये तो मैं यूज़ करके दिखा सकती हूँ, ये ब्राउन में आ रहा है। तो देखो गाइस कितना अच्छा लगा, जो लग गया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका प्राइस है, मैंने पिगमेंट का तो प्राइस बताया था आपको, इसका प्राइस है, पहले मैं खुद ढूंढ लूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, मिल गया फाइनली गाइस। इसका प्राइस है 499। और ये शुगर बोली, आई एम सॉरी, शुगर का लिपस्टिक है, स्मज है, लिक्विड वाला स्मज प्रूफ। अच्छा ही है, पर मैं ये वाला लिप शेड लगाती नहीं हूँ, पर मैं लेके तो आ गई हूँ। गाइस बहुत अच्छा है, पर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये वाला कलर पसंद नहीं है। आई ओनली लव ब्राउन शेड्स। और इसका भी प्राइस सेम है 499। और गाइस अब मेरा फेवरेट माय क्लैम का काजल जो है 395 का, और ये मैंने आईज पे लगाया भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है फेस सीरम, ये खादी सेंसिल का, खादी सेंसिल तो काफ़ी अच्छा ब्रांड लगता है मुझे सच्ची में, और इसको मैं इतना यूज़ नहीं करती, पर ये अच्छा है इतना मुझे पता, जब मैंने जब लगाया तब इसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा था। तो अभी ये है 499 का फेस सीरम है, ये भी मुझे लगा। पता है मुझे ना फेस के रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए हैं, क्यों उनको क्या लगता है मेरी क्वालिटी इतनी गंदी है? नहीं यार मजाक कर रही हूँ, लड़कियों को फेस के रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। और ये है माई ग्लैम का लिप शेड जो है 395 का गाइस, ये भी पिंक में है, तो मुझे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब लिपस्टिक में बिल्कुल अच्छा नहीं था। यस मुझे पिंक कलर सच में नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों मुझे ब्राउन अच्छा लगता है, न्यू शेड भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं इसको लगाऊंगी, वीडियो तो बनानी है, इनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और गाइस ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये एनबीआर का ये हेयर कलर्स है, तो मुझे इसके ना फोर कलर्स मिल रहे थे। ये कौन सा है, चैम्पियन गोल्ड है, और एक सिल्वर था, ब्लू था, और एक रेड था। रेड तो मेरे ऑलरेडी हेयर से तो मैंने यूज़ नहीं किया, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा कि इन पार्टीज में जाऊँगी तो मैं इसको तब यूज़ करूँगी, बट ये काफ़ी अच्छे है। इसको आप, मैं बताती हूँ इसको क्या करना है, इसको आपने जैसे ये वाली स्ट्रिकली ना मैं बताती हूँ इस पे यूज़ करना है, इसको आपने थोड़ा सा ऐसे करके फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देना है, ये 10 मिनट्स पे कलर चले जाता है। इस पे लगाओगे आप बस, फिर ड्राई होगा, फिर आप जा सकते हो। और हाँ जब आप हेड वॉश करोगे तो ये कलर ऑलरेडी चला जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है टेम्परेरी हेयर कलर के लिए, अगर आपके घर वाले आपको अलो नहीं करते या फिर अगर आपको टेंशन है कि आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, तो कुछ लोग उस वजह से भी नहीं कराते, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं इसका प्राइस बता दूँ 399 है, मुझे ये 4 पीसेस आए थे, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे DM कर देना, मैं इन सब के आपको डिटेल्स बता दूंगी।
और बस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये भी इन्वेडा का है। मुझे इन्वेडा का जो बॉक्स आया था ना वो काफी इतना बड़ा बॉक्स आया था। और एक मैं आपको गाइस बताती हूँ, एक ना मुझे गिफ्ट हैम्पर आया था। गिफ्ट हैम्पर मतलब एक हैम्पर आया था कोलैबोरेशन से रिलेटेड, तो वो काफी अच्छा था। उसकी जो बॉक्सिंग थी ना इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। हाय मैं आपको उसका फोटो तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे है, तो शायद मैं इधर आपको दिखा दूँ अगर मिला तो, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी। तो मैं बताती हूँ, ये इन्वेडा की वाइटनिंग क्रीम है। स्मेल्स रियली नाइस, मेरे सिस्टर से मैच हो रहा है। पर मैं भी यूज़ कुछ नहीं कर सकती ना क्योंकि मैंने मेकअप किया, तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा गाइस। गाइस इसका प्राइस बताती हूँ, मुझे पता है आप लोगों को प्राइस के लिए पता है 450 का। वाइटनिंग क्रीम है ये, काफ़ी अच्छी है। आप यूज कर जो वैसे भी अब समझ आ रहे हैं। ये एल्बो नी क्रीम है, लाइटनिंग क्रीम है ये भी। ये है पोजी केयर की, सो इसका प्राइस है 550। आपको इसका मैं बताऊँ, मैं अभी हंसी थी जब मैं ये मैंने यूज़ करूँ थी ना, ये एल्बो नी क्रीम है ना, तो इसका मुझे 4 पैक आया था। एल्बो नी फेस क्रीम और सनस्क्रीन और लेग्स के लिए था, ठीक है। तो मैं ना इसको ना फेस पे यूज़ करी थी, तो देन मेरी रूममेट ने कहा कि पागल है ये एल्बो स्क्वायर में फेस पे यूज़ करी थी 2 दिन से, ऐसे पागल। मैंने इसका पैसे आपको बता दिया। और जो मैंने आपको कहा ना ये वाला जो मैंने आपको भी बताया था, ये गोल्डन कलर की देखो, उसमें ना ये ग्रे कलर है। तो इसका प्राइस 399 है, उसके भी सेम है। इसका मैंने आपको सेम बता दिया, तो बस यही था। और हाँ, सबसे मेन बात गाइस जो मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, विच इंजीनियरिंग। तो गाइस अभी रिसेंटली मेरे को एक ड्रेस आया कोलैबोरेशन से, उसकी वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी। वो ना मुझे पसंद आया और उसका कलर इतना प्यारा है ना, और वो ड्रेस इतना प्यारा है। बस ये है कि वो मुझे थोड़ा सा लूज है, मेरे को उसको फिटिंग कराना पड़ेगा। वो तो मुझे हर एक ड्रेस का कराना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ, मतलब बहुत वीक हूँ, बहुत पतली हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। पर गाइस वैसे तो गाइस कुछ कोलैबोरेशन ऐसी भी होती है जो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे आ जाओ आपको इतना परसेंट ऑफ पड़ेगा, वो भी होती है। वो भी अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हो, बट मैं तो प्रेफर नहीं करती वैसे वाली कोलैबोरेशन, मैं तो नहीं करती हूँ। और गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं इतना सब कोलैबोरेशन के लिए बोल ही रही हूँ तो बता देती हूँ, ये जो टैटूस है ना ये मैंने कराया, ये मैंने कोलैबोरेशन बेसिस पे कराया है कुछ। तो जो मेरे फेवरेट वो टैटू वाले हैं वो है गांधीनगर के, अगर आप जम्मू से हो तो आपको पता होगा अप्सरा रोड गांधीनगर के टैटूस्ट, उनसे कराओ आप, वो काफ़ी अच्छा कराते हैं। मेरा ये वाला जो टैटू है ना, ये मैं आपको क्लोज अप से दिखाती हूँ, वेट जो मैं बात करती हूँ, ये इतना प्यारा है ना, मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन से बनाया है और इसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। सो गाइस ऐसी थी कुछ आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर किया करो। मुझे गुस्सा आता है जो लोग कमेंट नहीं करते और देके चले जाते हैं। एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्स नहीं करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं है वो वगैरह। तो अब मैं ये करती हूँ पैकअप, जो मैंने ये सामान ऐसे रखा हुआ है ये इधर इधर ऐसे करके, और चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।